चीजें बताई गई है वो अपना आप में कहानी है, वो ज्यादा आप जानते हो, मुझे ज्यादा जानते हो तिरुवन्ने के बारे में, तो मैं क्या बताऊंगा। भाई तो मैं कह सकता हूं कि आज जो हालात है देश के अंदर, उसमें मंकराज जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो गांधी के सिद्धांतों को आधार बना के काम शुरू करे, सत्य की बात करे, अहिंसा की बात करे, सर्वधर्म संभाव की बात करे, जिसकी आवश्यकता है। अनितम है तुम्हारा मुल्क है, 50 साल लोग इनको काम करते, पर आज सबसे बड़ी चुनौती देश के अंदर है। मेरे को 50 साल हो गए गरीब राजनीति करते हुए, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, सरकार आती जाती रहती है। आज तो विचारधारा जो है संविधान की जो मूल भावना है, संविधान को बचाने का वक्त है, लोकतंत्र की रक्षा करने का वक्त है, और लड़ाई वो होनी चाहिए कि विचारधारा की रक्षा करो जो संविधान हमें दी है, उसमें लोकतंत्र भी है, समाजवाद भी, धर्म निरपेक्षता भी है। शपथ तो उनके लेते हैं, MLA MP किसी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, तो शपथ लेने के बाद में क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि शपथ को सामने रख के हम लोग राजनीति भी करें, शासन भी करें? वो हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? लेखक जो है आपके देश के अंदर, अच्छे अच्छे राइटर जो लिखते हैं लेख, तो ये तो लेखक थक गए हैं लिखते लिखते, कब तक लिखेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है, सबकी बात सुनी जाती है। आज तो NGO के ऊपर अटैक हो रहे हैं, एक तो बहुत बड़े व्यक्ति ने कह दिया PMO के, हमें दुनिया के मुल्कों से खतरा नहीं है, हमें तो अपने देश से खतरा है, जो ये एक्टिविस्ट और NGO है इनसे हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप बता दीजिए क्या सोच है, क्या सोच है देश का? आज जिंदगी कमिटमेंट के साथ जीने के लिए अरुणा राय ने अपना इस्तीफा दिया हुआ IAS की नौकरी से, बंकर राय ने जब पढ़ाई करी, ये बहुत बड़े पता नहीं क्या बन सकते थे, आपके बीच में आगे काम किया, तैयार किया, पानी का भी, बिजली का भी, सोलर का भी, क्राफ्ट का भी, वुमेन्स एम्पावरमेंट का भी, ये एक्टिविस्ट है, NGO चलाते हैं। क्या NGO के लोग कभी ये कांग्रेस सरकार हो चाहे BJP सरकार हो या किसी तरह की सरकार हो, ये किसी को नहीं बख्शते हैं। इतना ही फर्क है कि आप प्रेम से बात कौन करता, प्रेम से बात कौन नहीं करता, फर्क है अपने काम में, अपनी बात कहने में, अपनी मांग मनवाने में, नो कॉम्प्रोमाइज। निकल जैसा नहीं यहां पर, ये जब मुझसे मिलने आते हैं कविता श्रीवास्तव या अरुणा राय जी या निखिल डे या और भी कोई शंकर हो या कोई हो, नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसा नहीं कि इनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, पटा लो, पटने वाले लोग ही नहीं है। इन्होंने सोनिया गांधी को कन्विंस कर दिया। आप बताइए, चार कानून कम बात है, राइट टू आप इंफॉर्मेशन, क्रांतिकारी, पूरे विश्व के अंदर ऐसा कानून नहीं, दुनिया के अंदर, नरेगा क्रांतिकारी काम किया, RTE राइट टू एजुकेशन क्रांतिकारी काम हुआ, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ये तमाम पार्लियामेंट में कानून बना के अधिकार मिला पब्लिक को, इसलिए नई सरकार जो आई है वो कोई बदल नहीं पाई है कानून के अधिकार के आधार पर। चाहे उन्होंने पहले कह दिया होगा कि नरेगा तो कांग्रेस का जो है, हम इनको बंद नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम इसको बंद नहीं करेंगे, पर ये कांग्रेस के स्मारक के रूप में याद किया जाएगा, इसलिए बंद नहीं करेंगे। इस सरकार से कहा उन्होंने
आज शासन हो गए उनको राज करते हुए, उनको कानून के आधार पर उनको प्रोविजन करना पड़ रहा है। मेरे घर के अंदर कोरोना काल में आपने हमने बहुत शानदार प्रबंधन किया राजस्थान के, नंबर वन राजस्थान था देश के अंदर कोरोना प्रबंधन के लिए। तो साथ में कहना चाहूंगा कि अगर बचाया किसी को मजदूरों को तो नरेगा ने बचाया देश के अंदर, ये अरुणा जी की सोच थी। तो आप बताइए कि आज हम बैठे हैं तिलोनिया की बात करते हैं, बंकर राज्य की बात करते हैं, हमें गर्व होता है कि इन्होंने जिंदगी खपा दी अपने लिए।